चोट जो लगी है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है बेटा, अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो आएगा। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। भोले राम जा राम भोले राम, हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। से राम नाम की जोत जला कर अपना भाग जगा ले। जन्मदिन मुबारक हो मास्टर जी, बधाई हो मास्टर जी, जन्मदिन की बधाई हो मास्टर जी। पादे, ये राम तुलाई मंदिर जी की स्पेशलिटी है। मास्टर जी ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है। ये बेर कहाँ से लाई है तू? ये जंगल वाले भाई राम ने दिया। जंगल में भाई क्यों रही? तू तो कहती थी तेरा भाई जंगल। ये थोड़े शक्ति वगैरह बोलना। ये आदम का की भगवान श्री महावीर बजरंग बली जी की मूर्ति है। ये बहुत बहुमूल्य कीमती पत्थर में से निकाली गई है। इसका इतिहास ये है, आज से 13-14 सदियाँ पहले इस मूर्ति को जयपुर से जम्मू ले जाया जा रहा था। रास्ते में जो भक्त इसको लेकर के आ रहे थे उन्होंने रामतलाई मंदिर परिसर में विश्राम किया। जब सुबह इस मूर्ति को उठाने लगे तो ये उनसे मूर्ति हिली नहीं। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि उन दिनों में कोई मोटर कार गाड़ी बसें नहीं होती थी। जो जम्मू से जयपुर गए थे श्रद्धालु भक्त, महीनों के हिसाब से समय लगा होगा, तो कितने प्रकांड विद्वान और उनकी भगवान में आस्था होगी, उन्होंने बैठ कर के विचार विमर्श किया कि भाई ये क्या बात है, ये मूर्ति यहाँ से क्यों नहीं उठ रही, दस से मास नहीं हो रही, सभी ने जोर लगा लिया। तो फिर उन्होंने विचार किया कि जैसे कहते हैं राम द्वारे तुम रखवारे हो तो आज्ञा बिन पैसारे, तो ये मूर्ति अपने
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में पहुंच गई है और इसकी यहीं पर स्थापना कर दी। कहा जाता है कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उसी समय एक ही महात्मा जी ने इसको अपने पीठ पर उठा करके यहाँ स्थापन कर दिया। तो ये 13-14 सदियाँ पहले का ये इतिहास श्री हरगोपाल गोसाई जी की। अच्छा जी, समाधार गोपाल जी गोसाई। अच्छा जी, ये समाध है हरगोपाल गोसाई जी की, जो यहाँ के किसी ज़माने में मालिक हुआ करते थे। श्री हरगोपाल गोसाई जी एवं माता गुजरी जी, ये दंपति निस्संतान थे। ये मानसरोवर उन्होंने धर्म अर्थ पंजाब सिंध क्षेत्र ट्रस्ट ऋषिकेश को दान किया है। ये साधु संतों के विश्राम के लिए है। रामतलाई बहुत देर से मशहूर है कि यहाँ पर दिवाली के ऊपर हजारों ही साधु संत भारत के विभिन्न कोनों से आते हैं। तो ये उन्होंने थोड़े दिनों ही जंगलेश्वर महादेव चलो जी आपके सामने है, इसके कोई नल नहीं है, कोई नीचे स्रोत कैसा है ये तो भगवान भोले शंकर ही जानते हैं। यहाँ से अपने आप पानी निकलता है और ये पानी सरोवर को जाता है। तो जब उद्धार हुआ था ये सरोवर का 1982 में ये रामतलाई सरोवर का जब जीर्णोद्धार हुआ था, कार सेवा हुई थी, तो वो जहाँ डिस्पोजल का पंप लगा हुआ है उस स्थान से पानी बांधनी होता था। जब इसकी सफाई की गई तो नीचे जैसे बोल देते हैं कि पानी के चलते चलते यहाँ पैर नहीं टिकता था, दलदल थी, एक दरी पूरी की पूरी मिट्टी की, एक उसके ऊपर रेत की, फिर मिट्टी की, फिर रेत की, ऐसे 6 परतें बिछाई गई। उसके बाद में क्या हुआ है कि जब भी हम सुबह आते थे उधर फिर पानी जमा होता था। तो इसलिए ये अनुमान है कि नीचे से जैसे बोलते हैं इसका धरातल कोई इसका अंत नहीं है, नीचे से भी पानी आता है। सरोवर में जल के 2 ही स्रोत हैं। बोलो है कि ये कदम्ब वृक्ष है। हाँ जी, ये कदम का पेड़ है, बुद्ध के लिखे ना, बहुत पुराना प्राचीन। ये कदम का पेड़ है, बहुत दुर्लभ है। इतिहास बताता है कि भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पे बहुत प्रेमी थे, कदम्ब के पेड़ के ऊपर ही बैठ करके बंसरी बजाया करते थे। ये चौंक पीस करके थी लगे फिर मैंने तो तरीके ने बनाया। ठीक है, अपना खिंच ले, गोल कर लेते ना, जूम कर लेते। बोलो। हाँ जी पंडित जी, ये पंडित घनश्याम स्वरूप जी हैं, आज से 16-17 साल पहले इस मंदिर में आए। तब मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत होने वाला था, कांटों की वार में बैठ करके उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है और अपने तन मन से मंदिर में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। और आजकल ये जो नया कार्य चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि लेटर पड़े हुए हैं, ये भी इन्हीं के हिसाब से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश शर्मा जी। अच्छा, आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? हाँ जी, महासचिव जनरल सेक्रेटरी जी। उस समय तो स्टेज बन रही ना।
और स्टेज है।